brought to you by Techno Camon 30 series. एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर कई चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आए हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने एमपी में बीजेपी को 28 तो वहीं कांग्रेस को एक सीट जीतने का अनुमान लगाया है। अब ये एक सीट कौन सी होगी, ये तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छिंदवाड़ा में नकुल नाथ से ज्यादा विवेक बंटी साहू मजबूत दिख रहे हैं, तो वहीं गुना सीट पर ही राव यादवेंद्र सिंह से ज्यादा मजबूत ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले 44 सालों से कमलनाथ का परिवार ही जीत रहा है। हालांकि 1997 के उपचुनाव में यहाँ से बीजेपी को जीत मिली थी, वहीं सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर पिछले 73 वर्षों से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। फिलहाल अब इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मजबूत बताया है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी राव यादवेंद्र सिंह का जोश हाई है। उन्होंने कहा कि एमपी में एग्जिट पोल से विपरीत नतीजे आएंगे। फिलहाल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।